जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एचडी डिफेंस चैनल में। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे भारत में किस प्रकार से लिथियम के भंडार मिले हैं और हमारा भारत चाहे तो उतने लिथियम में बहुत ही आराम से अपने देश की एनर्जी सेक्टर की उपयोगिता को पूरा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा मात्र कुछ सालों के लिए ही होगा, क्योंकि यह जो लिथियम है वह काफ़ी लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है और ऐसे में हमारा भारत भारी मात्रा में लिथियम की तलाश में लगा हुआ है, जहाँ पर वह अपने मेगा लिथियम प्रोडक्शन कर सके। अब भारत की यह खोज दोस्तों विदेशी जमीन अर्जेंटीना में जाकर समाप्त होती है, क्योंकि हमारे भारत की कंपनी काबिल ने काफी लंबे समय से एशियाई एवं यूरोप देशों की कंपनियों के साथ मिलकर कई जगहों पर लिथियम की तलाश कर रही थी। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कुछ वक्त पहले तक चाइनीज सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां अपने लिथियम प्रोडक्शन की सप्लाई पर कई यूरोप देशों से बंद कर चुकी थी, जिसकी वजह से एशिया एवं यूरोप देशों में इलेक्ट्रिक उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग में काफी बड़ी शॉर्टेज हो गई थी। अब चाइना की इसी डोमेन्स को खत्म करने के लिए हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी काबिल अपने लिथियम रिसोर्स के लिए सर्च कर रही थी। और दोस्तों, अर्जेंटीना में काफी बड़ी मात्रा में भारत की कंपनी को लिथियम के भंडार मिले हैं और जमीन के अंदर से लिथियम निकालने का भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे भारत की ही कंपनी काबिल को मिला है, जिसकी वजह से दोस्तों अब हमारे भारत की कंपनी विदेशी जमीन अर्जेंटीना में बड़े लेवल पर खुदाई करेगी एवं अपने मेगा प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना भी कर सकेगी। और वहां से निकलने वाले लिथियम को दोस्तों प्योर फॉर्म में करने के बाद उसे वहीं से पूरी दुनिया में भारत के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। और चाइना की जो पूरी दुनिया में अपनी डोमेन्स बनाए हुए है वह काफी तेजी से खत्म होगा, एवं जो मिडिल ईस्ट सऊदी जैसे ऑयल वाली कंपनियां हैं इनको भी एक तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि लिथियम बैटरी से दोस्तों भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक यातायात साधनों की भी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकेगी, जिससे तेल पर डिपेंडेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, हमारे भारत की कंपनी काबिल द्वारा अर्जेंटीना में लिथियम प्रोडक्शन को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।